दोस्तों नमस्कार, आइए शुरू करते हैं एनएएस एग्जाम कक्षा पांचवी की तैयारी। इसके पहले हमने इसी टॉपिक पर एक और वीडियो लेकर आए हैं। उस वीडियो में हम गणित के प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को हल किए। आज हम प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर के और लास्ट जो 45 प्रश्न है सभी को हल करेंगे। इसके साथ ही गणित का जो चैप्टर है जो 2017 में पूछा गया था उनके सभी प्रश्नों को हमने हल कर दिए। इन प्रश्नों को आपके बीच लाने का उद्देश्य यह है कि इन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक जानकारी मिल सके कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उन्हें सरलता के साथ हल किया जाता है। आप चाहे तो इस वीडियो को अपने विद्यार्थियों तक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इनसे अवगत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 41 है। इसके पहले के सभी प्रश्नों को हमने जो है उस वीडियो में हल कर दिए थे। ठीक है, अब 41 प्रश्नों को ध्यान से देखिए। चित्रालेख को देखिए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर चित्रालेख है, चित्रालेख अर्थात चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाता है प्रश्नों को। यहाँ पर देख सकते हैं प्राप्तांक लिखा हुआ है और यहाँ पर खेल 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है और सभी के सामने गेंद है। ठीक है, गेंद अलग अलग संख्या में है और उसके साथ ही साथ नीचे में देखिए गेंद बराबर 5 प्राप्तांक लिखा है। इसको समझना यह है कि यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर गेंद दिए गए हैं, हो सकता है कभी स्टार दे देंगे, कभी ऐसे चिड़िया बना देंगे, कभी बॉक्स बना देंगे, अर्थात यहाँ पर कोई संकेत दे देंगे। ये केवल संकेत है और उसकी जो वैल्यू कितनी है नीचे में दिया रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 दिया गया है अर्थात प्रत्येक गेंद का जो वैल्यू है वो 5-5 है। अब इसी के आधार पर एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है खेल 2 में कितने अंक बनाए गए थे। खेल 2 में कितने अंक बनाए गए थे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चित्र को ध्यान से देखना है और प्रश्न में कहा गया है खेल दो कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, खेल दो जो यहाँ पर है, अब इसके सामने कितने गेंद है या कितने संकेत है उसको गिनना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 है, तो एक गेंद की जो वैल्यू है वो 5 है, तो इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, है ना। अब टोटल कितना है इसी को आपको बताना है, तो या तो आप इसको जोड़ सकते हो 5, 10, 15, 20 या फिर आप 4 बार 5 है तो 4 × 5 भी कर सकते हो, यहाँ पर 20 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चित्रालेख को पढ़ना है और नीचे में उत्तर को देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो इस प्रश्न का जो उत्तर है कितना आया, 20, जो कि ऑप्शन ग है ना, ऑप्शन ग। अब ओएमआर शीट में आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक दिया रहता है, ओएमआर शीट कैसे भरना है इसका भी हम वीडियो बना दिए, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न के उत्तर भरने के तरीके बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न, हमने कौन सा प्रश्न हल किया, 41 को, तो 41 नंबर का ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। तो आप क्या करेंगे, 41 नंबर के सामने यहाँ पर 3 गोले हैं, 3 गोले में से देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ABC, तो यहाँ पर सी को आप क्या करेंगे, पेन से बिल्कुल भर देंगे, स्याही से भर देंगे। ठीक है, अर्थात इसको डार्क करेंगे नीला या काला पेन से। ठीक है, ये हो गया एक प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। अब अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर आता है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, दिए गए चित्र में छायांकित भाग कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ पर दशमलव संख्या के बारे में बताया पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सा बता दूं दशमलव संख्या में क्या होता है, भिन्न जैसे है, उसमें एक किसी टुकड़े को, एक किसी हिस्से को, सहगे को और टुकड़े में बांटा जाता है। लेकिन इसमें शर्त होता है जब बांटते हैं तो या तो इसको 10 टुकड़े में बांटेंगे, है ना, 10 हिस्से में करेंगे, जैसे ये हुआ 2, 3, है ना, 4, 5, छोटा बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन इसको आप बराबर मानेंगे। आप देख सकते हैं ये 10 बराबर हिस्से में बटा, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन ये बराबर मानेंगे। ठीक है, अभी चूंकि ड्राइंग करते समय ये दिक्कत हुआ, या तो 10 में बांटेंगे, या तो 100 में, या तो 1000 में, अर्थात 10 के गुणांक में बांटते जाते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो एक बड़ा सा बॉक्स है उसको भी टुकड़ों में बांटा गया है, ये एक बॉक्स, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टुकड़ा। ठीक है, अब 10 में से कितने को कलर किया गया है, आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3 को कलर किया गया है, तो 3 को कलर किया गया है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे और इसको बांटा गया है, टुकड़ों में बांटा गया है इसलिए बटे लगाएंगे, बांटा गया है तो बटे लगाएंगे, कितने हिस्से में बांटा गया है, 10 हिस्से में, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब इसको आपको दशमलव में बदलना है,
तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे में एक के बाद जितना शून्य है उसको काट देंगे। कितने शून्य काटे हमने, एक शून्य काटे, तो ऊपर में जो भी संख्या है उसके एक अंक के पहले आपको दशमलव लगाना है। यहाँ पर एक अंक है तो इसके पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे। ये इसका उत्तर हुआ। मान लीजिए यही ऐसा होता कि 100 हिस्से में बांटा रहता और 3 हिस्से को कलर किया रहता तो ऐसा होता। तो यहाँ पर दो शून्य को काट रहे हैं तो यहाँ पर एक और एक शून्य और लगाएंगे, फिर यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। ठीक है, ये कब, जब 100 हिस्से में बांटते, समझाने के लिए था। और इस प्रश्न का उत्तर ये है। अब देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन ए। अब क्या करेंगे, ओ एम आर शीट को ओपन करेंगे, 42 का ऑप्शन ए को आप क्या करेंगे, इस प्रकार से सर्कल करेंगे। बाकी के तीन प्रश्नों को भी देखिएगा, बहुत अच्छे से आपके बीच रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 43, प्रश्न क्रमांक 43 कैसे आगे नहीं बढ़ रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए ना। हाँ, ये 43। अब यहां पर देखिए प्रश्न 43 कहता है कि यह एक शब्दकोश है। नीचे में चित्र दिया गया है और बताया जा रहा है कि यह एक शब्दकोश है। शब्दकोश अर्थात होता है डिक्शनरी। अब इसको देखो, और यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि शब्दकोश के दर्शाए गए दो किनारे कौन सा कोण बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ पर दर्शाया गया है, कहीं पर तो दर्शाया नहीं गया, यहाँ पर दर्शाया गया है इस प्रकार से। हम आपको पता ही होगा कि जब भी हम कोण बनाते हैं, जब भी हम कोण बनाते हैं तो इससे इस प्रकार से दर्शाते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए पुस्तक को घुमा दिया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि कोण जो है इस प्रकार से बना है ना, और हम जो है इसको अधिक कोण के रूप में देख रहे हैं क्योंकि ऐसे बना है। लेकिन आपको थोड़ा सा अनुभव पे जानना है, आप अपने पुस्तक को देखिए, ये पुस्तक है कि नहीं। पुस्तक क्या होता है, एक प्रकार से इस प्रकार से रहता है, साफ सुथरा सीधा सीधा, है ना। तो इसका एक कोना आप देखेंगे, एक कोना देखेंगे क्या होता है, सीधे सीधे रहता है, यहाँ भी सीधा, यहाँ भी सीधा रहता है ना भाई। और इस प्रकार से ये टोटल 90 अंश का कोण बनाता है, और 90 अंश का कोण बनाता है तो ये होता है समकोण, ये होता है समकोण। ठीक है, क्या होता है, समकोण। यदि पुस्तक इस प्रकार से रहता है, जैसे पुस्तक को खोलते हैं, पुस्तक को खोलते हैं तो इस प्रकार से खोले रहते हैं कई बार पुस्तक को, है कि नहीं, इस प्रकार से खोलते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बना वो 90 अंश से कम होगा, 90 अंश से कम होगा तो ये वो कहलाएगा न्यून कोण। यदि पुस्तक को हम पूरा ऐसे खोल के रख दे, ऐसे टेबल पे रख दे, है ना भाई, ऐसे टेबल पे रख दे, तो यहाँ पर जो कोण बना यहाँ पर, है ना, ये होगा अधिक कोण। तो इस प्रकार से ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि पुस्तक जब खोलते हैं तो 90 अंश से ज्यादा हो जाता है, कभी 90 अंश से कम रहता है, तो ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है। लेकिन यहाँ पर पुस्तक का जो कॉर्नर है वो हमेशा यहाँ पर देख सकते हैं 90 अंश है, समकोण है। ठीक है, ये आपको अनुभव से बनाना है। अगला देखिए, अच्छा सॉरी, इसका आंसर हमने टिक नहीं किया, 43 का ए, 43 का ए, तो यहाँ पे 43 में जाएंगे ओ एम आर शीट पर, और इसे आप क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, अब दो प्रश्न और बचे हैं, फिर वीडियो क्लोज हो जाएगा, लास्ट तक देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 44, ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। प्रश्न है, एक समारोह के लिए 3 लीटर जूस की आवश्यकता है। समारोह अर्थात फंक्शन, मान लीजिए कोई पार्टी हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर 3 लीटर जूस की आवश्यकता है। दुकानदार केवल 250 मिलीलीटर वाले पात्र ही बेचता है। पात्र अर्थात क्या होता है, आपको समझना है, पात्र अर्थात होता है बर्तन जिसमें जूस को, तेल को, दूध को नापा जाता है। यहाँ पर आगे कहा जाता है, तो समारोह के लिए कितने 250 मिलीलीटर जूस के पात्र खरीदने होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उनको जरूरत है 3 लीटर की, 3 लीटर की, है ना। और उसके बाद जो वो बर्तन लेकर आ रहे पात्र, उसमें जो है जूस जो है केवल 250 मिलीलीटर आता है, 250 मिलीलीटर आता है कि नहीं। अब आपको समझना है कि यहाँ पर 3 लीटर है तो 250 मिलीलीटर तो कैसे होगा। तो आपको बता दें, लीटर जो है मिलीलीटर से हमेशा बड़ा होता है, है ना, ये ज्यादा है, लीटर का मात्रक ज्यादा है, ये छोटा है, ये कम है। तो 250 मिलीलीटर, आपको पता होगा कि 250 मिलीलीटर जो है एक चौथाई है, अर्थात 4 हिस्से में एक हिस्सा है, क्योंकि 1000 मिलीलीटर का, 1000 मिलीलीटर का होता है 1 लीटर, 1 लीटर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 250, तो कितने 250 को मिलाओगे कि 1000 बनेगा, सबसे पहले देख लो। तो चलिए, एक बार एक बर्तन बना, ये 250 हुआ, फिर से बना
250 और हुआ 500 हुआ, फिर ये हुआ 200। मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ ना, इसका भाग करने का भी तरीका है ना, उसको भी बताऊंगा। ये और हुआ 250, आप देख सकते हो 250 250 500 500 500 1000। चार बर्तन में एक लीटर आता है, चार बर्तन में एक लीटर आता है, तो तीन लीटर के लिए चार तिया 12 बर्तन की जरूरत पड़ेगी। इसको हमने सामान्य तरीके से बताया। अब इसको गणित के रूप में, जैसे इसको पढ़ लिए होंगे है ना भाई, पांचवी कक्षा में यदि इसको पढ़ लिए होंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 3000 मिलीलीटर आपको जूस के लिए बर्तन रखना है, एक बर्तन में आता है 250, तो आप क्या करेंगे इसको भाग करेंगे है ना भाई, भाग करेंगे तो लंबा लगेगा है ना भाई, भाग करके देख सकते हैं, भाग करेंगे तो भी 12 आएगा, और इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। एक बर्तन में 250, दो में 250, तो 250 और 250 500 हो गया, और दो में जब 500 तो दो और भी ला देंगे तो 1000, एक लीटर के लिए चार बर्तन, जब एक के लिए चार बर्तन तो तीन के लिए चार या 12 बर्तन, ऐसे भी बना सकते हैं। गणित को आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आखिरी प्रश्न देखिए, प्रश्न है, अच्छा इसका उत्तर हमने कमेंट नहीं कर पाए, टिक लगा पाए, 44 का ग, इसी प्रकार से कभी कभी भूल जाते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे साथ ही साथ करते जाएंगे, 44 का ग अर्थात ये सी, ठीक है। अगला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए तालिका में दी गई सभी वस्तुओं को आपने दुकान से खरीदा, हाँ यहाँ पर जो तालिका में दिए गए है अर्थात टेबल में, उन सभी वस्तुओं को आपने दुकान में खरीदा, तेल खरीदा इतने रुपये में, चावल खरीदा इतने रुपये में, चीनी खरीदा इतने में, आपने दुकानदार को 1000 रुपये दिए, 1000 का नोट दे दिए मान लीजिए, दुकानदार आपको कितने रुपये वापस देगा, ये सामान्य सी घटना ना, भी हम सामान लेने जाते हैं तो ऐसी होता है, तो क्या करते हैं सबसे पहले हम कितने रुपये का सामान लिए हैं उसको पता करते हैं, करते हैं ना, तो क्या करोगे उसके लिए, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, जोड़ोगे क्या हटाओगे, इसको सबसे पहले आपको जोड़ना होगा, तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, हासिल आया 1, ठीक है। उसके बाद 1 5 6 6 4 10 का शून्य हासिल आया 1, ठीक है, हासिल आया 1, तो ये 2 4 6 603, ऐसे हम यहाँ पर जोड़ते हैं सामान्य रूप से है ना भाई। उसके बाद आप देख सकते हैं 603 रुपये का आपने सामान खरीदा, देख लो इसको टिक लगा दोगे क्या, नहीं, यहाँ पर पूछा गया है आपको कितने रुपये वापस करेगा, तो आप 603 का सामान लिए हो, 603 का सामान लिए हो, 1000 रुपये दिए हो, तो यहाँ पर आपको 603 को 1000 से घटाना पड़ेगा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ये 9 का 9, और ये 9 में से 6 गया 3, इस प्रकार से ऑप्शन घ जो है ये सही उत्तर है। तो आप क्या करेंगे 45 नंबर का जो डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, उसे आप गोला लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये पेन चल गया, चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इसको गोला लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है, बाकी प्रश्नों का वीडियो भी हम जारी कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार।